हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीरज कश्यप। तो काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था कि रिगार्डिंग की DLLB का एग्जामिनेशन कब होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन होने का जो चांस है वो कब होने का चांस है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शायद अगस्त में आपका पेपर हो जाए, बट कुछ चांस लग नहीं रहा कि अगस्त में आप लोगों का पेपर हो पाएगा, क्योंकि 10 अगस्त तो आज हो चुका है और अभी तक ना तो कोई एडमिट कार्ड का मतलब पता है न कुछ। तो उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ क्यों एग्जामिनेशन डिले हो रहा है। तो फर्स्ट रीजन ये है कि जो CUET का पेपर है PG का, वो सितंबर में है, यानी कि 11 सितंबर तक का लास्ट पेपर है उनका। तो शायद आपका पेपर उनके बाद ही होगा, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन जो है NTA कंडक्ट करवाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है डिले हो रहा हो। और रही बात तो हमारे जैसे हमारा सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी डिले चल रहा है, अब आज से स्टार्ट हो चुका है, तो शायद पूरा अगस्त सेमेस्टर एग्जामिनेशन चलेगा, उसके बाद ही शायद मतलब आप लोगों का एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी कि सितंबर के 15 सितंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन हो जाए, या फिर 15 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड तो श्योर आ जाएगा। तो हार्डली आपके पास इस मंथ का टाइम बचा हुआ है, प्रिपेयर कर लो, 20-25 दिन आपके पास है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मतलब एग्जामिनेशन कब होगा, क्या मतलब कितना टाइम हमें मतलब लेकर मान के चलना चाहिए कि हमारे पास है। तो आप लगा लो कि आपके पास 20-25 दिन का टाइम है, अभी भी पूरा अगस्त आपके पास है, और सितंबर में शायद 10 सितंबर के बाद ही आपका पेपर हो। मतलब जस्ट क्योंकि आप देखो ना कि PG का जो एग्जामिनेशन होने CUET जो जैसे DLLB PG में आता है, लेकिन ये इस बार CUET में ऐड नहीं किया गया था, तो इसकी वजह से इसको बाद में किया जा सकता है, मतलब लग रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मतलब अभी कॉलेज का भी एग्जामिनेशन चल रहा है, तो इन सबके बाद ही शायद आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो। तो रही बात प्रिपरेशन करने की, तो मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है टारगेट DLLB 2022, यहाँ पे आपको दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं, क्विज के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में, इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक रिलेटेड होता है एग्जामिनेशन तो हम वहाँ पे डालते हैं। सेकेंड हमारा इंस्टाग्राम का है DU Faculty of Law के नाम से, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग या कुछ अपडेट होगा तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। रही बात कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो अभी तक आप लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो अभी प्रैक्टिस का टाइम है, जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हो लगाओ, जितना प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो करो अच्छे से, प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस एग्जामिनेशन में, तो आप लगा लो कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप स्कोर कर पाओगे। तो रही बात, जैसे मैंने एक बुक लिखी खुद DLLB मॉक टेस्ट, इसका मैंने रिव्यू डाल दिया ऑलरेडी, तो आप फिर भी मैं बताता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है 15-20 दिन में तो ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें मैंने स्टार्टिंग के 20-25 पेज में नोट्स इंक्लूड किए हैं, तो इसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नोट्स से स्पेशली। उसके बाद इसमें सिस्टमैटिकली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया हुआ है पॉलिटी का और लीगल का, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अ नाइस डे।